हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, हम अपने 9th चैप्टर यानी नौवां पाठ देशभक्ति इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसका हमने फर्स्ट एंड सेकंड पैरा रीड किया और उसको समझा भी। आज इस चैप्टर का लास्ट पैरा हम एक्सप्लेन करेंगे और उस पैरा को समझेंगे। यदि कदाचित कश्चित देशः अस्माकं देशोपरि आक्रमणं कुर्यात् तदा अस्माकं कर्तव्यं यदि वयं प्राण पड़े नापि स्वदेश से स्वतंत्रता याशे सच्छाम कुर्यामः। इयमेव देशभक्ति यया प्रेरिता वयम स्वदेशम प्रति सौ कर्तव्यम पूर्यन्तः मातृभूमे शरणात मुक्तः भवितुम शक्नुमः केनापि उक्तम। अब इसमें क्या बोला जा रहा है बेटा, यदि कदाचित कश्चित देशः अस्माकं देशोपरि आक्रमणं कुर्यात्, यदि कभी कोई देश हमारे देश पर आक्रमण करेगा या हमला करेगा, तदा अस्माकं कर्तव्यं यद् वयं प्राण पड़े नापि स्वदेशस्य स्वतंत्रता याश्च रक्षां कुर्यामः। तब हम अपने कर्तव्यों को याद करते हुए अपने प्राणों को भी त्याग कर अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। क्या बोला जा रहा है, यदि कोई देश हमारे देश पर आक्रमण करेगा तब हम सभी अपने कर्तव्यों को याद करते हुए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। इयमेव देशभक्ति यया प्रेरिता वयम स्वदेशम प्रति स्वकर्तव्यम पूर्यन्तः। यही देशभक्ति हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। कहने का मतलब हमारे अंदर जो अपने देश के प्रति देशभक्ति है, यही देशभक्ति हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। मातृभूमे शरणात् मुक्तः भवितुम शक्नुमः केनापि उक्तम। हमें अपनी मातृभूमि के शरण से मुक्त होने के लिए अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना होगा, यानी इस मातृभूमि के इस शरण को चुकाना होगा। जननी जन्मभूमिस्ते स्वर्गादपि गरीयसी। जननी यानी माँ, जन्मभूमि यानी जिस भूमि में हमने जन्म लिया, स्वर्गादपि यानी स्वर्ग से भी, गरीयसी यानी गौरवपूर्ण। जो हमारी माँ है, हमारी जननी है, यानी हमारी जन्मभूमि है, वह हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है, यानी स्वर्ग से भी गौरवपूर्ण है। यानी हमारी जन्मभूमि हमें जन्म देने वाली माँ सबसे बढ़कर हमारे लिए हमारी जन्मभूमि है, यह हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने अपना नौवां पाठ देशभक्ति इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट्स, अब मैं इसकी वर्ड मीनिंग की फ़ोटो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी, तो आप व्हाट्सएप से बेटा इसकी वर्ड मीनिंग ग्रुप से कंप्लीट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, हमारी वर्ड मीनिंग क्या है, देखो पहली वर्ड मीनिंग है हमारी अंगम यानी गोदी में। अंगम की क्या मीनिंग होती है, गोदी में। दूसरी है स्वर्गादपि यानी स्वर्ग से भी। तीसरी वर्ड मीनिंग है अश्मभ्यम, हम सबको। एंड फोर्थ वर्ड मीनिंग है विविधानी, अनेक प्रकार। फिफ्थ वर्ड मीनिंग यच्छति, देती है। सिक्स है कार्पः शादिक यानी कपास आदि। सेवेंथ है स्रोतेभ्यः यानी जल स्रोतों से। एट है मृतिकयः, मिट्टी से। एंड नाइन्थ वर्ड मीनिंग है यया प्रेरितः, इससे प्रेरित होकर। टेन वर्ड मीनिंग शरणात् यानी शरण से। एंड लास्ट एंड टेन वर्ड मीनिंग है प्राण पने नापी, प्राण देकर भी, यानी प्राण देकर भी हमें हमारे देश की रक्षा करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके वर्ड मीनिंग आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स एंड गुड डे बेटा।